झूठ बोल रहे हैं, झूठ। परिश्रम किसके लिए? अंधभक्ति, अंधभक्त बनाने में परिश्रम किए हैं अंधभक्तों को। मोदी को देश मानते हैं अंधभक्त। बोले अरे मोदी के खिलाफ बोल रहे हो, अभी जेल चले जाओगे। क्यों जाओगे बे? मोदी देश है। विकास अंबानी का, अडानी का हो गया, जनता का कहाँ हुआ? कोरोना काल में देश का डंका नहीं, ढोलक फटा। कोरोना काल में वही काशी की घाटों में कुत्ते लाश से नोच रहे थे जनता की। लाल किले से हमें क्या दिखा? क्या दिखा? घमंड और एक डरा हुआ, घबराया हुआ, बौखलाया हुआ प्रधानमंत्री। हमें उनका सेवा नहीं चाहिए, हम उनका मदद करने को नहीं तैयार हैं, हम उनको झोला पकड़ाने के लिए तैयार हैं। हम उनसे अब इतना बुढ़ौती में काम नहीं करवाना चाहते हैं। वो बूढ़े हो गए हैं बेचारे, आराम करें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहितआवाज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कलीम शेख। परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है, सोशल मीडिया स्टार हैं और लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। आप कहते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी को झोला देकर, झोला चेक करेंगे उसके बाद भेज देंगे। और नरेंद्र मोदी लाल किले से ऐलान कर चुके हैं कि अगले साल फिर वहीं से वो तिरंगा फहराएंगे। आपको पता है कि लाल किले से हमें क्या दिखा? क्या दिखा? घमंड और एक डरा हुआ, घबराया हुआ, बौखलाया हुआ प्रधानमंत्री, जिसकी जबानें बार बार लड़खड़ा रही थी। तो अगर इसके बाद भी वो कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री, कि अगर मैं तीसरी बार भी आऊँगा, तो ये हम जनता को क्या लग रहा है कि ये उनका जो है अहंकार बोल रहा है, गुमान। इसलिए हम ये जनता कह रहे हैं कि छलके तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा, छलके तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा, घटने लगी है भक्तों की तादाद और ज्यादा, घटने लगी है भक्तों की तादाद बहुत ज्यादा। तो ये है, आप कह रहे हैं गुमान दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि हम आप में से आते हैं, हम आपकी सेवा के लिए आते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमें उनका सेवा नहीं चाहिए, हम उनका मदद करने को नहीं तैयार हैं, हम उनको झोला पकड़ाने के लिए तैयार हैं। हम उनसे अब इतना बुढ़ौती में काम नहीं करवाना चाहते हैं। वो बूढ़े हो गए हैं बेचारे, आराम करें। वो तो विनम्रता दिखा रहे हैं, बोल रहे परिवार जनों मेरे। वो विनम्रता नहीं, परिवार जिनों कह रहे हैं। तो वो ये संदेश, ये जो जिन पीता होगा उसके लिए वो बता रहे होंगे कि ये ब्रांड बहुत बढ़िया है। अच्छा, महिलाओं के लिए योजनाएं लाए हैं लखपति दीदी, 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। एक बार बताइए, लाखों पब्लिक के बीच में जो बंगाल इलेक्शन में घूम के चिल्लाते, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, वो दीदी योजना इनको डुबा देगा। दीदी ने डुबा दिया था उधर बंगाल में। हमको बेवकूफ़ ना बनाया। मैं आयुष्मान योजना आया था, देखिए देखे नहीं कितना घोटाला हुआ। एक ही नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। तो इनकी सारी योजनाएं फेल हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश में भोपाल गया था मैडम जी, और आपको पता है कि जो ये बताते हैं कि भाई बहनों 2022 में हर गरीब के घर को छत देने का हमारा सपना है, और वो छत 12.5 लाख में बिक रहा है। एक सोसाइटी बनी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उस सोसाइटी के बाहर बोर्ड लगा है प्रधानमंत्री आवास योजना, और जिसमें 12.5 लाख का 1 BHK का घर, 14.5 लाख का 2 BHK का, 18.5 लाख का 3 BHK का। ये बताइए 12.5 लाख रुपया रहेगा तब तो वो गरीब को छत मिलेगा। किसको मूर्ख बनाते हो तुम? तुम्हारे आयुष्मान योजना में एक ही नंबर से 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन है, ये भी घोटाला। NHAI घोटाला, सड़क पर 18 लाख का सड़क, 18 करोड़ का सड़क जो है कितने में बनवाते हो? 250 करोड़ रुपये का। तो ये सब क्या है? दीनदयाल खाओ पियो बचाओ योजना है क्या? हर चीज़ योजना तो दीनदयाल योजना ला रहे हैं ना, तो ये क्या है? दीनदयाल खाओ पियो। अयोध्या कॉरिडोर में भी घोटाला, 20 करोड़ रुपये का, पता है ना, यही कैग ने निकाल कर लाया। बताइए, फिर से लोन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मकान बनाना है, चाहे व्यापार स्टार्ट करना है, चाहे कुछ भी करना है तो लोन लीजिए बैंक से, उसमें पूरी गारंटी है। हमको लोन नहीं चाहिए, हाँ हमें लोन देंगे, हाँ और आप खुद जो है ऐश करेंगे, और हम लोन की तले दब के सुसाइड करेंगे। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे कई बार भी किसान कर्जे तले दब के सुसाइड करता है, फिर युवा करने लगेगा, करेगा नहीं करेगा। तो लोन लेने के बाद चुकाने की प्रक्रिया? अरे नहीं, अगर आप लोन लेकर कोई बिजनेस करती हैं नहीं चला तो क्या करेंगी आप? जो हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है ये बहुत मर्यादा में रहता है मैडम जी, आपको भी पता है। घर में अगर 200 रुपया नहीं रहा और खाने को नहीं रहा तो वो जो है नमक पानी रोटी खा लेगा या शक्कर खा के पानी पी लेगा, लेकिन कहीं ये नहीं, उसको डर रहता है कि कहीं बाजू वालों को न मालूम पड़े कि मैं आज भूखा सोया हूँ। हाँ मानती हैं कि नहीं ये बात? तो उसे तुम कर्ज पकड़ाओगे और जब बिजनेस व्यापार डूबेगा तो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। वो भारत मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, मजबूर भारत बना रहे हैं और आपको मजबूत भारत दिख रहा है। ये मजबूर भारत है जिसमें सिर्फ कर्जे की बात हो रही है, रोजगार की बात नहीं। तो बताइए, कर्जा मजबूरी में लिया जाता है, तो ये मजबूर भारत बना रहे हैं कि नहीं बताइए? नहीं, लोन अगर लेना है, कुछ स्टार्ट करना है तो पैसे की जरूरत यार होती है ना। आज मैं आपको नहीं तो पैसे की जरूरत होती है, इधर तो रखिए। मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, ये बताइए कर्जा कब कौन लेता है? कब लेता है? जब कुछ स्टार्ट करना हो, हमारे पास पैसे ना हो तो हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, पैसे का ना होना, धीरे धीरे चुका देते हैं। लिसन टू मी मैडम, पैसे का ना होना ये मजबूरी है या मतलब संपन्नता है? लोन तो सब लेते हैं, अडानी भी लेते हैं। अडानी को छोड़ दो, अडानी की एनपीए माफ हो जाता है, हमारा नहीं होता। हमें दौड़ा कर पुलिस पकड़ती खेतों में जनता को, मानती है नहीं? झूठ है ये बात। एनपीए किसका माफ होता है? किसका होता है आप बताइए? अडानी कॉर्पोरेट। किसानों का होता है क्या? किसानों के लिए तमाम चीजें करता है। आज अगर एक बात और बता रहा हूँ, हाँ। मैं खुद देखा हूँ इस देश में ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया और वो कोरोना पैंडेमिक के बाद वो क्रेडिट कार्ड का जो है उनका प्रीमियम नहीं भरा गया, भर ही नहीं पाए, रोजगार भी चला गया। ऐसे कितने हैं कि बैंक के डर से भागते हैं, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बाकी है तो कोई गाड़ी का आउटस्टैंडिंग बाकी है। ये स्थिति है देश का, और उसके बाद भी और कर्जा पकड़ा रहे हो मारने के लिए। तो ये मजबूर इंडिया है। कोरोना काल में देश का डंका बजा, वैक्सीन दिया, कई लोगों की जान। कोरोना काल में देश का डंका नहीं, ढोलक फटा। कोरोना काल में वही काशी की घाटों में कुत्ते लाश से नोच रहे थे जनता की। इसको आप डंका बजाना मानती हैं क्या? वैक्सीन दिया ना भारत। अरे वैक्सीन से बढ़िया वैसलीन दे देते, उससे जान थोड़ी बचती। कम से कम ये तो होता, क्या होता? स्किन साफ होता। नहीं, कोरोना को मारने के लिए वैक्सीन की जरूरत थी जो भारत ने। अरे यार वैक्सीन की बात क्या, तुम बताइए आप वैक्सीन उपलब्धि बता रहे हैं। अब पोलियो पी करके बड़ा हुए उसे क्या मानते हैं? ये उसे कोई उपलब्धि नहीं मानते, जबकि ये दोनों जो सत्ता में ना मोटा भाई, इन्होंने भी पोलियो पिया होगा, नहीं तो यहाँ 54 का जो टीका होगा ना कांग्रेस का, वो जरूर होगा इनके पास। प्रधानमंत्री कहते हैं, देखिए ट्वीट किया है, हमने कठोर परिश्रम किया, देश के लिए किया, शान से किया, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। परिश्रम किसके लिए? अंधभक्त बनाने में परिश्रम किए हैं अंधभक्तों को, मेक इन इंडिया में, और कुछ नहीं दिखता काम। विकास गिना रहे हैं वो। विकास पैदा होता तो अब तक घबड़ी नहीं चढ़ गया होता था। नहीं, वो देश की विकास, वो देश की, मैं भी विकास की बात कर रहा हूँ। नहीं किया विकास, कहाँ हुआ है विकास? अंबानी का, अडानी का हो गया, जनता का कहाँ हुआ बताइए? अडानी 2014 के पहले कितना था, पैसे वाला था। बाबा भी वो का 1-250 में गैस होगा बोलता था, 35-40 रुपये में पेट्रोल आएगा, $40 पर आएगा बोलता था। और आप लोग ऐसा बूम लेकर के पूछ दो खाली बाबा जी क्या हुआ 250 में गैस क्यों नहीं मिल रहा, तो तुम लोग को धमका देता है। तुम लोग जाते हो मिड डे मील में, बोलते हो बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं, तो तुम्हारे को ठेल लिया जाता है अंदर। ये ऐसा लोकतंत्र आप चाहती हैं जिसमें पत्रकार आज़ाद ना हो। लोकतंत्र की स्थापना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हाँ और देश को आज़ाद कंगना रनौत करा रही है। सब मिल बांट करके मस्ती में चल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। वो लोगों के हित में, राष्ट्र हित में बात करती हैं। वो बहुत देशभक्त नारी है। 2014 में आज़ाद हुई बेचारी है। हाँ। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं व्यक्तिगत क्यों कर रहा हूँ, कंगना रनौत के सारे फैन दुखी मान जाएंगे, बुरा तो मान जाएंगे। डर नहीं लगता आपको? किससे डरू, कौन है कंगना रनौत? बुरा मान जाएंगे। बुरा मान के मेरा क्या, वो खा लेंगे। ये उन्होंने कहा था ना 2014 में देश आज़ाद हुआ था कि मैं कर रहा हूँ, ये बताइए मैं कह रहा हूँ क्या? इतिहास में पढ़ाया जा रहा है। जो हमारा इतिहास तोड़ेगा हम उसे तो दुरुस्त करेंगे ना। एसओएल के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है कि 1945 में आज़ाद हुआ था भारत, और ये सुधीर चौधरी कुछ अलग बता रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में आके। हाँ कि जो है अंग्रेजों ने भारत को ऐसे ही आज़ाद दे दिया था, और भारत जो है योगदान जो शहीदों का है उसको ये बता रहा है। बताइए तिहाड़ी जो है, अबे चोर तिहाड़ी, ये बताइए ये लोग तिहाड़ जेल में जाते हैं और ये लोग आकर के फिर झूठा इतिहास बताते हैं। क्या बताइए हम जनता कितना सहन करें झूठ, ये बताइए। झूठ छल कपट सब तो दिख रहा है हमको, सामने सामने दिख रहा है। ये चीज़ें दुख है मैडम इसका, कि एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक प्रक्रिया में जो है, एक जो संघीय ढांचाएँ बोलते हैं उसको भी पूरा धराशायी किया जा रहा है। ये दुख है देख देख के। आपको दुख नहीं होता देश लूटता है तो? होता है, आप भी पत्रकार। देखिए देश सबका है, क्या पत्रकार हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, क्या कलमकार हो, क्या साहित्यकार हो, सब सबका देश है। तो सबको देश का जो है बर्बादी पर दुख होना चाहिए, ताली नहीं बजाना चाहिए। एक बहरूपिया जो है मूर्ख बनाता चला जा रहा है और हम बनते चले जा रहे हैं। इंडिया गेट पर पब्लिक रिव्यू के लिए गए थे, एक ने कहा कि मोदी नहीं तो देश बर्बाद। वो देश किसको मान रहा है, मोदी को? उसने भारत को कहा। नहीं भारत को नहीं मान रहा है, मोदी को देश मानते हैं अंधभक्त। बोले अरे मोदी के खिलाफ बोल रहे हो, अभी जेल चले जाओगे। क्यों जाओगे बे, मोदी देश है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कलीम शेख ने पूरी तरीके से जो है सरकार को घेरने का काम किया, लोगों के हक अधिकार का बात किया। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहितआवाज।